चकबंदी सर्वे का काम कब पूरा होगा? पटना हाई कोर्ट। जी हाँ, राज्य के सभी जिलों के गांव की चकबंदी और सर्वे का काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा, इस बात की स्पष्ट जानकारी देने का आदेश पटना हाई कोर्ट ने राज्य के राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव को दिया है। कोर्ट ने 4 सप्ताह में हलफनामा दायर कर जानकारी देने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने कैमूर किसान विभाग समिति के संयोजक श्याम नारायण तिवारी की लोकहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति R.M. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने 31 दिसंबर 2010 तक पूरे राज्य की चकबंदी का काम पूरा कर लेने का आदेश राज्य सरकार को दिया था, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक 2050 राजस्व गांवों की ही चकबंदी हो सकी है, जबकि राज्य में कुल 21,792 राजस्व गांव हैं। जिस गांव की चकबंदी पूरी हुई है उसे अधिसूचित कर दिया गया है। कोर्ट को यह भी बताया गया है कि हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 15 मार्च 2004 को एक अधिसूचना जारी कर राज्य में चकबंदी का काम पुनः शुरू कर उसे जल्द से जल्द पूरा करने को कहा था, लेकिन अभी तक चकबंदी का काम पूरा नहीं हो सका है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2011 में राज्य में एक नया सर्वे कानून लागू किया। नए सर्वे कानून में कहा गया है कि राज्य में पहले सर्वे का काम पूरा किया जाएगा, उसके बाद चकबंदी का काम होगा। उनका कहना था कि चकबंदी का काम पूरा करने के लिए हाई कोर्ट के तय 31 दिसंबर 2010 का समय बढ़ाने के लिए दायर अर्जी पर कोर्ट ने किसी तरह का आदेश देने से इनकार करते हुए अर्जी को खारिज कर दिया था। इन सब के बावजूद अभी तक सर्वे और चकबंदी का काम अब तक पूरा नहीं हो सका है। मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 16 जनवरी तय की गई है। सीएम ने मछली उत्पादन का लिया जायजा। जी हां, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सिवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को पहुंचे। भगवानपुर हॉट में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद उनका काफिला सीधे सिवान सारण की सीमा पर स्थित चंवर पहुंचा, जहां चंवर की जमीन को पोखरा के रूप में विकसित कर मछली उत्पादन हो रहा है। मंत्री ने डीएम रंजिता से इस संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की। इस योजना को धरातल पर उतारने वाले किसान शिव प्रसाद सहनी, मनोज सहनी व ललित मोहन उर्फ रिंकू सिंह से पूरी जानकारी प्राप्त की। चीफ सेक्रेटरी को चंबर में बने पोखरा व मछली उत्पादन के कार्य को प्रचारित करने के साथ ही इसे मॉडल बनाने का निर्देश दिया। कहा कि अगर 6 किसान मिलकर इस तरह की योजना को सफल बना सकते हैं तो अन्य किसान क्यों नहीं इसका अनुसरण कर सकते हैं। भगवानपुर कॉलेज में जल जीवन हरियाली अभियान में सीएम की सभा में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग उठी। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज जरूर खुलेगा, इसके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। सरकारी जमीन जहां भी मिलेगी वहां मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री से मेडिकल कॉलेज खोलने को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। इस दिशा में सरकार पूरी तरह से गंभीर है। मुख्यमंत्री के इस आश्वासन का लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया। प्याज की बढ़ती कीमतों पर गुरुवार को लोकसभा में जमकर सियासी तीर चले। कांग्रेस ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं तृणमूल कांग्रेस समेत कई दलों ने सदन में यह मुद्दा उठाकर सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। मैंने प्याज नहीं चखा। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के बाद एक और केंद्रीय मंत्री का बयान सामने आया। वित्त मंत्री का बचाव करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, मैं शाकाहारी आदमी हूं और मैंने कभी प्याज नहीं चखा, तो मेरे जैसे आदमी को क्या मालूम कि प्याज की क्या स्थिति है। उधर राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला ने प्याज के बढ़ते दामों को लेकर संसद के बाहर विजय चौक पर अकेले प्रदर्शन किया। राज्य के जीविका समूह हरियाली अभियान से जोड़े जाएंगे। सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य भर में जीविका समूह को भी जल जीवन हरियाली अभियान से जोड़ा जाएगा। सूबे के 609 किलोमीटर NH जल्द होंगे दुरुस्त। केंद्र सरकार ने राज्य की राष्ट्रीय उच्च पथों NH के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए दिया है।
बिहार में बनेंगे 54 फास्ट ट्रैक। जी हाँ, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए बने पॉक्सो कानून के तहत मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। इसके अभियुक्तों को जल्द सजा दिलाने के लिए देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना है। इनमें 54 फास्ट ट्रैक कोर्ट बिहार में बनेंगे। किसान सम्मान निधि योजना में बांटे गए 1632 करोड़ रुपए। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गुरुवार को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 और 20 में बिहार में 44 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की पहली किस्त 30,79,000 किसानों को दूसरी किस्त के तौर पर अब तक 1632 करोड़ ट्रांसफर कर दिए गए हैं। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि 2 माह पहले तक बैंक खातों की संख्या, ब्रांच कोड सहित अन्य त्रुटियों के कारण पीएम किसान पोर्टल द्वारा रद्द किए गए आवेदनों की संख्या जहां 3,56,000 थी, अब घटकर मात्र 1,48,000 रह गई है। उप मुख्यमंत्री ने बैठक में अंचल अधिकारी और अपर समाहर्ता के स्तर पर 3 महीने से अधिक से जमीन की जांच के लिए लंबित आवेदनों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। कहा कि लंबित आवेदनों की पंचायतवार सूची बनाकर मुख्यालय स्तर से कृषि समन्वयकों को SMS भेजे जाए। साथ ही कहा कि अधिकारी किसानों से व्यक्तिगत संपर्क करें, आवेदनों की त्रुटियों का शीघ्रता से निष्पादन कराए। अब तक प्रदेश में 72,76,000 किसानों ने सम्मान निधि के लाभ के लिए आवेदन दिया। इनमें से 11,72,000 को विभिन्न त्रुटियों के कारण पोर्टल ने रद्द कर दिया। इस पोर्टल द्वारा हर जिले के प्रत्येक पंचायत से औसतन 3 से 6 हजार रद्द किए गए हैं। आवेदनों सुधार किया जाना है। कहा कृषि समन्वयक से लेकर अंचलाधिकारी तक के स्तर पर लंबित 8,96,000 आवेदनों को जल्द जांच की जाए। पटना तालाबों का कायाकल्प पानी सूखने के बाद ही। जी हाँ, तालाबों का जीर्णोद्धार पानी सूखने के बाद ही करना होगा। टेंडर के बाद भी काम तब तक शुरू नहीं होगा जब तक उसमें पानी सूख ना जाए। नगर निगम के सभी अंचलों में खुलेंगे RTPS काउंटर। जी हाँ, पटना नगर निगम के सभी अंचल कार्यालयों में लोक सेवाओं का अधिकार RTPS काउंटर खोले जाने की योजना है। काउंटर अंचल कार्यालयों में खुलने के बाद पटना वासियों को प्रखंड में दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोगों को अपने घर से नजदीक ही कई तरह की सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी। इस संबंध में मेयर सीता साहू ने नगर आयुक्त अमित कुमार पांडे को पत्र लिखकर आधिकारिक रूप से इस दिशा में प्रयास करने का निर्देश दिया। लैपटॉप से लैस अमीन करेंगे जमीन की नापी। जी हाँ, पटना राज्य में जमीन की पैमाइश अब आधुनिक तरीके से हो सकेगी। चुने जाने वाले नए अमीन और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जमीन की मापी से बंदोबस्ती तक में लैपटॉप की मदद लेंगे। पैमाइश के बाद वास्तविक डाटा लैपटॉप में फिट करेंगे। वे अंचल कार्यालयों से लेकर मुख्यालय तक अपने अत्याधुनिक मोबाइल लैपटॉप से जुड़े रहेंगे। इससे जमीन की पैमाइश में गड़बड़ी करना आसान नहीं होगा। सरकार ने जमीन की नापी और बंदोबस्ती में आने वाली शिकायतों को रोकने के लिए यह व्यवस्था की है। दरअसल राज्य में 550 अमीनों और 275 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों की बहाली हो रही है। बहाली के लिए अंतिम काउंसलिंग भी पूरी हो गई है। सिर्फ विशेष सर्वेक्षण अमीन के 4,950 पदों पर बहाली में अभी थोड़ा विलंब है। चयनित होने वाले सारे अमीन और बंदोबस्त पदाधिकारी लैपटॉप, इंटरनेट आदि नई सुविधाओं से लैस हो गए। आयुष्मान में रेडियोलॉजी पैथोलॉजी जांच भी मुफ्त। जी हां, बिहार में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को इलाज के दौरान रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी जांच की सुविधा मुफ्त मिलेगी। अगर सरकारी अस्पताल इससे संबंधित जांच की सुविधा नहीं देती है तो निजी जांच घरों से मरीज की जांच कराई जाएगी। मरीज को इसके लिए 1 रुपये शुल्क नहीं देना होगा। बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति ने सभी जिलों के सिविल सर्जन एवं मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के अधीक्षकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इलाज के साथ ही जांच की सुविधा मुफ्त उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। समिति के कार्यपालक निदेशक सह स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने इस संबंध में दिए निर्देश में कहा कि इस योजना के तहत लाभार्थियों को पूर्णतः निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जानी है। दवा, जाँच एवं इम्प्लॉट्स आदि के लिए मरीज से कोई राशि नहीं लेनी है। योजना के तहत चिकित्सा मद में होने वाले 5 लाख तक खर्च के लिए राशि अस्पताल को उपलब्ध कराई जाती है। स्वास्थ्य सुरक्षा समिति ने निर्णय लिया है कि सरकारी अस्पतालों में जहां रेडियोलॉजी एवं पैथोलॉजी जांच की निःशुल्क उपलब्ध नहीं हो तो उस परिस्थिति में आयुष्मान योजना के रोगियों के लिए ये सुविधाएँ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS के निर्धारित दरों पर किसी उपयुक्त एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है।